देखिए 12 नंबर क्या दिया है, x प्लस वन का पावर 6 प्लस x माइनस वन का पावर 6 का मान ज्ञात कीजिए और इसका प्रयोग करके या अन्यथा इतना का मान ज्ञात करिए, यानी कि इसका भी मान निकालना है और इसी में रख के इसके रेस्पेक्ट में इसी फॉर्म में है, ये देख रहे हैं ना, एक्स जगह रूट टू दिया है तो पहले इसका मान निकाल लेंगे और जो आएगा उसी में इसको रख देंगे तो आ जाएगा आपका आंसर। चलिए देखते हैं, तो एक साथ भी लेके चल सकते हैं या पहले एक का निकाल लो, आप ऐसे भी कर सकते हो, एक्स प्लस वन का पावर 6 का पहले निकाल लो तो क्या हो जाएगा इसका, 6 सी 0 एक्स का पावर 6 वन का पावर 0, 6 सी 2 सॉरी 6 सी 1 एक्स का पावर 5 वन का पावर 1, 6 सी 2 एक्स का पावर 4 वन का पावर 2, 6 सी 3 एक्स का पावर 3 वन का पावर 3 प्लस 6 सी 4 एक्स का पावर क्या हो जाएगा 2 और 1 का पावर 4, 6 सी 5 एक्स का पावर 1 और 1 का पावर 5, 6 सी 6 एक्स का पावर 0 एंड 1 का पावर 6। तो 6 सी 0 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 और 1 का पावर 0 भी 1 ही होगा तो बचेगा एक्स का पावर 6 प्लस 6 6 1 का 6 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका एक्स का पावर 5 प्लस 6 सी 2 का वैल्यू होता है 15, ठीक है, 6 सी 2 का वैल्यू होता है 15 और x का पावर 4, 6 सी 3 का वैल्यू होगा आपका 20 है ना, 6 सी 3 का वैल्यू होगा 20 और x का क्यूब बचा है, 1 का पावर 3 1 ही होगा, यहाँ पे देखो 6 सी 4 का वैल्यू होगा आपका 15, ठीक है 15x² और यहाँ हो जाएगा प्लस में 6x और प्लस में यहाँ पर 1 ही आएगा, ठीक है, तो ये आ गया x प्लस 1 का पावर 6। तो इसी के आधार पे मैं x माइनस 1 के पावर 6 की बात करूँ तो यही आएगा, अल्टरनेट प्लस माइनस हो जाएगा तो हमें दो बार नहीं निकालना पड़ा, ठीक है, 6x का पावर 5 प्लस 15x का पावर 4 माइनस 20x³ और फिर प्लस 15x² देख रहे हैं ना जी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और फिर प्लस वन, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है इसे, कोई दिक्कत नहीं है इसे आपको। अब देखिए दोनों का हमें सम निकालना है, दोनों को जोड़ना है, हमें एक्स प्लस वन का पावर 6 या फिर एक काम करो ना, चलो ऐसे लिख लो और प्लस में एक्स माइनस वन का पावर 6 दोनों को जोड़ना है, प्लस करना है, तो देखो इसमें क्या होगा, यह दोनों जुड़ेगा तो 2x का पावर 6 प्लस माइनस वाला ये कट जाएंगे, समझ रहे हैं ना, ये दोनों जुड़ेंगे 30x का पावर 4 ये दोनों कट जाएंगे, यह दोनों जुड़ेगा 30x² और प्लस 112 हो जाएगा, ये 6x कट जाएगा, समझ रहे हैं ना बात को, यही ना आएगा। चलिए अब चाहो तो इसमें से 2 कॉमन कर सकते हो, 2x का पावर 6 x का पावर 15x का पावर 4 होगा ना, 15 दो कॉमन हुआ है x का पावर 4 प्लस 15x² और प्लस में 1, यही ना आपका बचेगा, तो यही आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए चूंकि हमें इसका वैल्यू निकालना है, चलिए इसको भी निकालते हैं, सिंपल जो इसका मान आया है ना, इसका जो मान हम लोग निकाले उसी में रख देंगे, x के जगह रूट टू रखना होगा, चलिए 2 ब्रैकेट के अंदर रूट टू का पावर 6 प्लस 15 रूट टू का पावर 4 प्लस 15 रूट टू का स्क्वायर और प्लस में 1, यही ना हो जाएगा, 2 रूट दो का पावर 6 8 हो जाएगा, रूट दो का पावर 4 जो होगा 4 हो जाएगा, तो 15 चौका 60 लिख देते हैं और रूट दो का स्क्वायर 2 तो 15 दुना 30 और प्लस में 1, तो 2 गुना में इन तीनों को जोड़ देते हैं तो 60 30 90 90 और 99 में 2 से गुना कर देंगे तो 198 आ जाएगा इसका आंसर। चलते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर